भारत का, जय भारत का बच्चा बच्चा, जय जय सीता, जय भारत का बच्चा बच्चा। दो वर्षों ढाई वर्षों से कोरोना काल के कारण ये परशुराम जन्मोत्सव फीका रहा। ये पहला अवसर इस साल हमें मिला है कि हम इस कार्यक्रम को तीन दिवसीय बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवक, नवयुवक, समस्त समाज के लोग शामिल हैं। तीन दिवसीय कार्यक्रम में एक तारीख को महिलाओं नवयुवकों का कार्यक्रम रखा गया था, समाज में पुरस्कार वितरण भी उसी दिन किया गया। कल भी महिलाओं का नवयुवक मंडल का कार्यक्रम रखा गया और कल भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। शाम को भजन संध्या रखी गई 8 बजे से जो रात तक चली। आज अभी शोभा यात्रा है, उसके बाद पूरे समाज का प्रसादी वितरण है। हम चाहते हैं भगवान परशुराम जी की कृपा हम पर ऐसे ही बने रहे और हर साल हम हर्षोल्लास के साथ परशुराम जन्मोत्सव मनाएं। जय परशुराम। श्री परशुराम की जय। आज का ये आयोजन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल से युक्त होते आज परशुराम जी ने ये अवसर लाया है 2 साल बाद। अब हम कोरोना मुक्त होंगे ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं और देश में ऐसा संकट कहीं मत आए, ऐसा हम परशुराम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री परशुराम। इससे पहले 2 दिन का कार्यक्रम हुआ भवन में, उसमें लोगों के बच्चों के कार्यक्रम थे। आज भव्य शोभा यात्रा है, शहर भ्रमण करती हुई वो भवन जाएगी, वहाँ प्रसादी है। 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, उस कार्यक्रम को इस बार अपन भव्य रूप से कर रहे हैं।